गुड मॉर्निंग बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे हैं। 5.1 में कल हम लोग 1 से लेकर के 10 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, 11 नंबर लिखा है, 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है। 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम आपको इसके पहले के वीडियो में बताया गया था। गुणात्मक प्रतिलोम ये बेटा होता है जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आपके पास है 4 - 3i। क्या दिया हुआ है? 4 - 3i। मॉड ऑफ जेड क्या होता है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा 16 + 9, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड 25। और जेड दिया है तो जेड बार क्या होगा? इसका संयुग्मी हो जाएगा 4 + 3i 9। अब हमें निकालना क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। इसको दिखाते क्या हैं? जेड इनवर्स जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये हो जाएगा जेड बार का मतलब 4 + 3i अपान मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है बेटा? 25। ठीक है, तो कहने का मतलब 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा 4 + 3i अपान 25। यही हमारा आंसर है। जल्दी से आप लोग इसकी कॉपी कर लीजिए। अब आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम आपका ये तीनों क्वेश्चन एक समान दिया हुआ, सेम बिल्कुल हो बहु वही क्वेश्चन है। हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग इसकी कॉपी कर लें। ओके, अगला क्वेश्चन है इसमें 14 नंबर दिया हुआ है, 3 + i√5 इंटू 3 - i√5 अपान √3 + i√2 -√3 - i√2। अब हम करेंगे क्या इसमें? इसको कह रहा है कि हमें a + ib के रूप में लिखना है, a + ib के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ लिखा हुआ है a + b a - b, ये होता है a² - b² अपान √3 + i√2 - √3 - ब्रैकेट खोलिए + i√2। माइनस से ब्रैकेट खोल दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 3 × 3 = 9 माइनस इसका स्क्वायर i² × 5 अपान √3 से √3 बेटा कट गया, नीचे आपको मिला i√2 में i√2 जोड़ दो 2i√2। नाउ i² की वैल्यू क्या होती है? यहाँ हम i² की वैल्यू रख देंगे, क्या होता है? -1 × 5 / 2i√2। माइनस माइनस प्लस, 9 + 5 / 2i√2। इसमें से 9 × 5 = 14 / 2i√2। अब क्या करोगे? कैंसिल आउट, 7 हो गया, 7 / i√2। नो, आई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मिलेगा 7i + i√2, तो मिलेगा 7i। आई की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा? i² √2। i² की वैल्यू क्या होती है? -1 - 7i / √2, यानी यहाँ हम लिखेंगे i² = -1। यही हमारा क्या है? a + ib के फॉर्म हो जाएगा। ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट इसमें 0 है। फिर से एक बार देखिए, लिखा हुआ है 3 + a + b a - b, अप्लाई करिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। बाकी आप ब्रैकेट ओपन करके जहाँ भी ज़रूरत होगी, जैसे वी नो दैट आई स्क्वायर माइनस वन, हम इसमें पुटअप करके सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हुई। थैंक यू।